नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। मैं हां रजिंदर कौर सैणी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। भारतीय जनता पार्टी की कौमी कार्यकारिणी की दो दिन मीटिंग तेलंगाना के हैदराबाद विच होई शुरू। अग्निपथ योजना तहत अग्निवीरां की भर्ती लई रजिस्ट्रेशन जारी। सीमा सुरक्षा बल ने मनुखता की शानदार मिसाल पेश करदिया 3 साल के पाकिस्तानी बच्चे नूं रेंजर्स नूं सौंपिया। सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तां ते पाबंदी के हुक्म सख्ती नाल लागू करवाउण लई सरगर्म होया पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड। ते हुण खबरां विस्थार नाल। भारतीय जनता पार्टी की कौमी कार्यकारिणी की दो दिन मीटिंग अज तेलंगाना के हैदराबाद विच शुरू हुई। इस मीटिंग विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह अते नितिन गडकरी समेत पार्टी के सीनियर नेता, भाजपा शासित सूबियां दे मुख्यमंत्री अते 340 प्रतिनिधि हिस्सा लै रहे ने। प्रधानमंत्री मोदी इस मीटिंग दे सारे सैशनां विच हिस्सा लैणगे। हैदराबाद विच तकरीबन 18 वरिया मगरों पार्टी की मीटिंग हो रही है। इस तो पहला बीजेपी के प्रधान JP नड्डा ने सवेरे अहुदेदारां की मीटिंग का उद्घाटन किया। इस मीटिंग दौरान पार्टी नूं खास तौर पर दखनी राज्यां विच होर मजबूत करन दी रणनीति ते ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड विच एक जनसभा नूं भी संबोधन करनगे। तेलंगाना के 35,000 पोलिंग बूथां नाल जुड़े पार्टी वर्कर इस विजय संकल्प रैली विच शामिल होणगे। भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी ने हैदराबाद में चल रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बारे जानकारी देंदिया दस्सिया कि पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ केंद्र सरकार वालों पिछले 8 वर्यां दौरान किए गए शानदार कामों की शलाघा की। उन्होंने कहा कि JP नड्डा ने मजबूत भारत के निर्माण लई प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प की भी तारीफ की। स्मृति ईरानी ने दस्सिया कि कौमी प्रधान JP नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने दीनदयाल जी दे अंतोदया दे संकल्प नूं अगे वधाया है अते जनधन योजना ने 45 करोड़ तो वध लोकां नूं आर्थिक तौर ते मजबूत किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय फौज अते जल सेना विच अग्निपथ योजना तहत अग्निवीरां दी भर्ती लई रजिस्ट्रेशन जारी है। योजना तहत फौज, जल सेना ते हवाई फौज विच अग्निवीरां दी भर्ती 4 साल लई कीती जाएगी। 4 साल मगरों इन्हां विचों 25% तक अग्निवीरां नूं उन्हां दी योग्यता, इच्छा अते फिटनेस दे आधार ते रैगुलर कीता जाएगा। बाकी 75% अग्निवीर 11 तों 12 लाख रुपए दे सर्विस पैकेज दे योग होणगे। दूजा कैरियर शुरू करन लई उन्हां नूं योग्यता प्रमाण पत्र अते बैंक कर्ज भी दित्ते जाणगे। भर्ती 90 दिन विच शुरू हो जाएगी अते अग्निवीर अवार्ड, मैडल अते बीमे दे भी हकदार होणगे। पहले 4 वर्यां विच फौजियां नूं 30 तों 40 हज़ार रुपए की महीनावार तनखाह दित्ती जाएगी। केंद्र सरकार ने तीनों फौजां विच अग्निपथ योजना तहत अग्निवीरां दी भर्ती दा ऐलान कीता है। इस योजना बारे सरकार ने सही तथ्य लोगों सामने रखे ने। राष्ट्र सब तो उपर देश नाल ही होवे जिस दी पछाण। खतरियां नाल अखां मिलाउण दा जनून इस तरह के ने भारत के वीर जवान। इन्हां फौलादी जज्बियां नूं दिंदी है फौज एक नवी पछाण। देवो देश नूं अपने 4 साल छाती तान संकल्प कर। बहुत खास है जवानों लई ये देश सेवा का मौका। चलो भरीए भारतीय फौज विच जवान जोश असी सारे मिलके। वर्दी का माण मिले जो एक सुनहरी कल नाल सजे, तमगा बधावे सीने की शान। बहादुर योधे साडे भरन आत्म निर्भरता की उड़ान।
ਹੁਣ ਪਰਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ। बनो भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बनो। भारतीय जनता पार्टी के आगुआ ने अग्निपथ योजना के हक में अमृतसर लोगों को जागरूक किया। इस तहत छाटा चौंक में हाथ में तख्तियां लेके भाजपा आगुआ ने लोगों को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना बारे विस्तार नाल जानकारी दी। पार्टी के आगू ते कौंसलर अरविंद शर्मा ने कहा कि अग्निपथ योजना नौजवानों के भविष्य का एक सुनहरी मौका है। यह योजना नौजवानों को राष्ट्र भगति सिखाएगी ते अग्निवीर समाज और देश को मजबूती देंगे। अरविंद शर्मा ने कहा कि देश की नींह नौजवानों के मोढ़ियां ते टिकी हुई है और पंजाब सरकार नौजवानों को इस योजना बारे गुमराह कर रही है। पंजाब सरकार जिहड़ी कि अपने आप नूं आम आदमी की सरकार कहती है, बजट सैशन के दौरान उसने एक प्रस्ताव पास किया कि असी अग्निवीर का विरोध करते हैं। मैं उन्होंने पूछना चाहना तुसी किस गल करके विरोध करते? जे तुसी नौकरी नहीं पंजाब के नौजवान दे सकते, जे तुसी पंजाब के नौजवान नूं रोज़गार नहीं दे सकते, फिर तुहानूं ऐसी स्कीम का विरोध करन दा कोई हक नहीं। आज़ादी का अमृत महाउत्सव नूं समर्पित आज़ादी का सफर तहत असी भारत की आज़ादी विच योगदान पाउण वाले वख-वख मन्ने परमन्ने अते गुमनाम आज़ादी संग्रामियों के जीवन के पहलुओं तो तुहानूं जाणू करवाउंदे हाँ। इस तों इलावा आज़ादी के संघर्ष नाल जुड़ियां होर गतिविधियां बारे भी दसदे हाँ। अज की कड़ी विच असी तुहानूं सुतंत्रता सैनानी यूसुफ मेहर अली, सुतंत्रता सैनानी बख्त खान, शहीद सावन, शहीद दोदई भगवान अते सहदेव बारे जानकारी दे रहे हाँ। अज की कड़ी विच असी सुतंत्रता सैनानी यूसुफ मेहर अली नूं श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हाँ। उन्हां दा देहांत 2 जुलाई 1950 नूं होया सी। यूसुफ मेहर अली नूं साइमन वापस जाओ अते भारत छड्डो दे नारे देण दा माण दित्ता जांदा है। यूसुफ मेहर अली दा जन्म 23 सितंबर 1903 नूं होया सी। उन्हां ने नैशनल मिलीशिया, बॉम्बे लीग अते कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की सी। यूसुफ ने अनेक किसान अते व्यापार संगठनों के अंदोलन च अहम भूमिका निभाई सी। उन्होंने साइमन कमिशन के विरुद्ध अंदोलन विच भी हिस्सा लिया सी। वो भारत छड्डो अंदोलन नाल भी जुड़े अते जेल गए। 1942 विच बंबई के मेयर चुने गए। उदो यरवडा केंद्रीय जेल विच सन। यूसुफ अली मन्ने परमन्ने लेखक भी सन। उन्होंने लीडर्स ऑफ इंडिया, द प्राइम ऑफ लिबर्टी अते अंडरग्राउंड मूवमेंट ते पुस्तकां लिखियां। राष्ट्रवादी नेता यूसुफ जीवन भर लोक सेवा करते रहे। 1950 विच उन्हां दा देहांत हो गया। महान भारती यूसुफ मेहर अली नूं नमन। असी सुतंत्रता सैनानी बख्त खान नूं भी याद कर रहे हाँ। बहादुर शाह जफर ने 2 जुलाई 1857 नूं उन्हां नूं हिंदुस्तान सैना दा जनरल नियुक्त किया सी। उत्तर प्रदेश के बरेली के निवासी सन। पहला वह ब्रिटिश भारतीय सेना की आर्टिलरी विच सूबेदार रहे। 1857 भारत के पहले सुतंत्रता संग्राम दौरान उन्होंने ब्रिटिश सेना छड़ दी अते बरेली च सुतंत्रता नाल जुड़िया गतिविधियां विच हिस्सा लैन लगे। बख्त खान बरेली च सैनिक गतिविधियां लई ब्रिगेडियर बना दिते गए। उन्होंने हथियारां अते गोला बारूद की व्यवस्था की। बख्त खान ने जून 1857 अपने साथियां, खजाने ते हथियारां अते गोला बारूद दे नाल दिल्ली वल नूं कूच किया। बख्त खान 2 जुलाई 1857 नूं दिल्ली पहुंचे, जिथे बहादुर शाह जफर ने उन्हां दा स्वागत किया। बहादुर शाह ने उन्हां नूं फरजंद कहा अते जनरल दे खिताब दे नाल कमांडर इन चीफ नियुक्त किया। बख्त खान ने दिल्ली च सेना नूं पुनर्गठित किया अते उन्हां नूं सख्त अनुशासन च रहण दा हुक्म दिता। उन्होंने दिल्ली च कानून व्यवस्था बनाए रखने लई प्रशासनिक परिषद के गठन च अहम भूमिका निभाई, जिसनों जलसाए फौजी कहते सन। हालांकि उन्होंने दिल्ली के अनेक टिकाणियों तो अंग्रेजों को भजाने च सफलता हासिल की, पर 25 अगस्त 1857 नजफगढ़ में उन्होंने हार का सामना करना पड़ा।
सितंबर 1857 च अंग्रेज़ां दे कब्जे तो बाद बख्त खान ने दिल्ली छड़ दित्ती, पर लखनऊ अते रोहिलखंड च अंग्रेज़ां नाल लड़ाई जारी रखी। पहले स्वतंत्रता संग्राम दे दमन तो बाद बख्त खान नेपाल चले गए अते मन्या जांदा है कि 1859 च लड़ाई दौरान उन्हां दा देहांत हो गया। महान स्वतंत्रता सैनानी बख्त खान नूं शत शत नमन। असी शहीद सावन नूं भी श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हाँ, जिन्हां ने 1857 दे पहले स्वतंत्रता संग्राम विच गुजरात वलों हिस्सा लिया सी। सावन ने अंग्रेज़ां की बेरहमी के विरुद्ध आवाज़ चुकी अते अपने गुआंढियां नूं हथियार चुकन अते विदेशी शासन नूं भजाउण लई प्रेरित किया। अंग्रेज़ां ने उन्हां नूं फड़ लिया अते उन्हां ते राजद्रोह अते कंपनी शासन विरुद्ध विद्रोह करन दे दोष लगाए। इस दे लई सावन नूं बेड़ियां च बन के उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अंडेमान टापू विच 2 जुलाई 1859 च कैद विच उन्हां दा देहांत हो गया। भारत मां दे महान सपूत शहीद सावन नूं शत शत नमन। असी शहीद दुदई, भगवान अते सहदेव नूं वी याद कर रहे हाँ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के निवासी सन। इन्हां वीरां नूं 2 जुलाई 1923 नूं फांसी दे दित्ती गई सी। ना मिलवर्तन अंदोलन दौरान चौरी चौरा थाने की ब्रिटिश पुलिस ने खेतर च शांतमई प्रदर्शनकारियों ते गोली चला दित्ती। गोलीबारी च अनेक लोग मारे गए अते बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। जदों पुलिस का गोली सिक्का खत्म हो गया तो गुस्से च आई भीड़ नूं देख के पुलिस पिछे हट गई अते थाने च जाके लुक गई। कुछ जख्मी सत्याग्रहियों ने थाने की इमारत ते मिट्टी का तेल छिड़क के अग लगा दी। इस दे कारण थाने दे अंदर सारे 23 पुलिस वालियां दी मौत हो गई। दुदई, भगवान अते सहदेव अपराधियों विच शामिल सन। उन्हां नूं चौरी चौरा की घटना शामिल होने लई दोषी करार दिता गया। उन्हां नूं मौत की सज़ा सुनाई गई अते 2 जुलाई 1923 नूं फांसी दे दित्ती गई। भारत मां दे इन्हां वीरां नूं शत शत नमन। सीमा सुरक्षा बल ने फिरोजपुर सैक्टर के तरन तारण इलाके विच भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद राही भारतीय खेतर विच दाखिल होए तकरीबन 3 साल के एक बच्चे नू पाकिस्तानी रेंजरां नू वापस मोड़ के मनुखता की शानदार मिसाल पेश की है। बल दे एक बुलारे ने जलंधर विच दस्या कि यह घटना 1 जुलाई नू शाम 7:15 के करीब फिरोजपुर सैक्टर विच होई जदों बल दी 182 बटालियन के जवानों ने देखा कि तकरीबन 3 साल का एक पाकिस्तानी बच्चा सरहद पार करके भारतीय खेतर विच दाखिल हो गया है। यह बच्चा कुछ भी बोल नहीं सकता सी अते जवानों ने इसनू सुरक्षित अपने कोल रखिया। मगरों इस बारे पाकिस्तानी रेंजर्स नू जानकारी दित्ती गई ते तकरीबन 10:45 इस बच्चे नू मनुखी आधार ते पाकिस्तानी रेंजरां दे हवाले कर दिता गया। उस वेले इस बच्चे दे पिता भी मौजूद सन अते बच्चे नू पा के बेहद खुश सन। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तां ते पाबंदी दे हुक्मां नूं सख्ती नाल इन बिन लागू करवाउण लई पूरी तरह सरगर्म हो गया है। बोर्ड दे एक्सीएन हरपाल सिंह ने अज अमृतसर विच अपने अफसरां ते प्लास्टिक उत्पादन एसोसीएशन दे प्रतिनिधां नाल एक मीटिंग कीती। उन्होंने दस्सिया कि डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदा ने कहा कि इस पाबंदी बारे जनतक जागरूकता लियांदी जाए ते उस मगरों जेकर कोई उल्लंघना करता है तो चलान कट्टे जाण। उन्होंने स्पष्ट किया कि जेकर किसी सनत व्यापारक अदारे या दुकानदार वालों सिंगल यूज प्लास्टिक तैयार किया गया या रखा गया तो उस खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इस मंतव नाल चैकिंग टीमों का गठन किया जा रहा है। आज़ादी दी अमृत कहानियां तहत असी अज पेश कर रहे हैं पूनम नौटियाल बारे जानकारी जिन्हें अपनी जान तो पहला दूजियां दी जाना बचाईया। औरतां जीवन दे सकदियां ने तां औरतां जीवन बचा भी सकदियां ने। जान बचाउण दे लई जेकर जान लगानी पवे तां उस च ना मैनूं कदे तकलीफ सी अते ना कदे होवेगी। यह है उस औरत दी कहानी जिसने अपनी जान तो पहला दूजियां दी जाना बचाईया। ए हन पूनम नटियाल जिन्हां करके भारत दे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट च 100% कोविड टीकाकरण संभव होया। इन्हां लई आजादी दा मतलब है देश दे हर एक नागरिक दी जान बचाना। पापा दा सुपना सी कि मैं डॉक्टर बना। डॉक्टर ता नहीं बनी क्योंकि मैं मध्य वर्गी परिवार तो हाँ। फिर ANM बनी। मैं क्या नौकरी छोटी जा वड्डी होवे, मैनू करनी है लोकां लई। कुछ ना कुछ तो करना है जिन्ना मेरे कोलो हो सके। मैं चंगा करांगी अते लोकां दी सेवा करांगी। कोरोना ने सानू लोकां नू सिखाया है कि जीवन दा मूल की है। जद मैनू लोकां दे टीकाकरण दा मौका मिलिया तां मैनू लग्या कि लोकां नू जीवन दान दे रही हां।
ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ, ਚੰਗਾ ਕਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ। ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 172,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਅੱਜ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੂਨਮ ਨੌਟਿਆਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀਏ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।